तो हेलो एंड वेलकम टू ए बी स्टूडियोज़ हिंदी चैनल। दोस्तों मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं ए बी स्टूडियोज़ का हिंदी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकबुक एयर में मेमोरी को लेके इशू होने के बारे में। तो मेन हमारा टॉपिक ये है, अगर आप एक मैकबुक एयर यूज़र हैं तो आप देख सकते हैं ये है मेरा लैपटॉप मैकबुक एयर और इसमें स्टोरेज अवेलेबल है सिर्फ 128 GB की, जिसमें काफ़ी सारा स्पेस है। इसका ऑलरेडी सिस्टम मिल लेता है और जब भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं वो सारी एप्लीकेशन जो हैं काफ़ी ज़्यादा साइज़ की हो जाती हैं। अगर आप कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा साइज़ की हो जाती है, तो मेमोरी का बहुत ज़्यादा इशू आता है इसमें। और फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल फिल्मोरा 9 और फिल्मोरा प्रो। दोनों ही सॉफ्टवेयर को जब आप एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं और आप कोई भी वीडियो फाइल उसमें ऐड करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब आप वीडियो फाइल्स को रेंडर करते हैं तो वो एक इमेज बना के आपके सिस्टम में उसको सेव कर देता है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी लॉस करता है। सिस्टम का जो मेमोरी है वही यूज़ करता है। तो आप जितनी ज़्यादा फाइल्स को ऐड करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो का जो साइज़ है वो आपके सिस्टम में सेव होता रहेगा और आपका जो मेमोरी है वो डे बाय डे कम होता चला जाएगा। तो रेंडर किए हुए फाइल्स को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद आप वीडियो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं जो भी रेंडर किए हुए फाइल्स हैं, क्योंकि वो आपको किसी काम की नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप है। अगर आप एक हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, मैं ये हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ सीगेट का, क्योंकि इसमें मेमोरी सिर्फ 128 GB की है और मैं एक 2 GB का सीगेट हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक एयर के साथ। तो रेंडर की हुई फाइल्स जो है वो फिलहाल मेरे लैपटॉप में सेव होती हैं। उसको कहाँ से ढूंढ के आप डिलीट करेंगे, जब आप फिल्मोरा 9 को ओपन करेंगे तो अगर आप इसमें जाकर रिवील इन फाइंडर करेंगे तो ये आपको उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पे आपका फाइल सेव है, जो एक्चुअल फाइल सेव है। बट ये रेंडर की हुई फाइल्स को या फिर आपकी प्रॉक्सी फाइल्स को नहीं दिखाएगा। यहाँ पे प्रॉक्सी फाइल्स को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे एप्पल के लोगो पे, आप क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे अबाउट दिस मैक में। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज का, जब स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा सीगेट हार्ड ड्राइव का ऑप्शन दिखा रहा है और एक एप्पल का जो स्टोरेज है उसका एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप चले जाएंगे मैनेज में, मैनेज में जाने के बाद आप चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में आप देखिए अभी 33.39 GB का फाइल यूज़ कर रहा है। इसमें जो आप पहला जो ये फाइल देख रहे हैं TSC 4382 MPG, ये MPEG मूवी एक MPG फाइल है और ये जो फाइल है वो वंडरशेयर फिल्मोरा फाइल के प्रॉक्सी फोल्डर में सेव है। यहाँ से आप इसको रिवील कर सकते हैं शो इन फाइंडर। तो अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, इसमें जितने भी फाइल्स सेव हैं वो सारी मेरी प्रॉक्सी फाइल है, वो सारी फाइल्स जो है वो रेंडर होकर यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो ये जो वीडियो फाइल आप देख रहे हैं इसका एक्चुअल साइज़ लगभग 5 to 6 GB का है। इसने उस फाइल को प्रॉक्सी बना के लगभग 1.74 GB का मेमोरी मेरे लैपटॉप पर यूज़ कर लिया है। तो ये फाइल मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, वीडियो को सेव कर चुका हूँ, अब ये फाइल मेरे किसी काम की नहीं है और मेरे जो ऑलरेडी मेमोरी है वो यूज़ हो रहा है। वैसे 15.67 GB बचा है आउट ऑफ 128 GB। तो अगर मैं इस फाइल को डिलीट नहीं करता हूँ तो ये मेरी मेमोरी को यूज़ करता जाएगा और मैं सीमलेसली अपनी वीडियोज़ को एडिट नहीं कर पाऊँगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, सिंपली राइट क्लिक करेंगे कर देंगे मूव टू बिन, तो ये फाइल आपका हो जाएगा यहाँ से डिलीट और आपका स्पेस हो जाएगा अवेलेबल नेक्स्ट वीडियो को रेंडर करने के लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉक्सी फाइल को, अगर आप सिस्टम में सेव नहीं करना चाहते हैं और आप प्रॉक्सी को अपने हार्ड ड्राइव में सेव करना चाहते हैं और अपने लैपटॉप के स्पेस को बचाना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।